मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जयपुर मेयर ग्रेटर सौम्या गुर्जर व दो चेयरमैन भाजपा पार्षदों के निलंबन रोकने के लिए जिला उपाध्यक्ष गोविंद धाकड़ और मंडल अध्यक्ष अशोक दुबे की अध्यक्षता में राज्यपाल के नाम कार्यवाहक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि राज्य सरकार के तानाशाही आदेश जो जयपुर महापौर ग्रेटर दो चेयरमैन और भाजपा पार्षद पर निलंबन की कार्रवाई की गई वह सरासर गलत है और ये लोकतंत्र की हत्या है। इसी कांग्रेस सरकार ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी, उसी प्रकार कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए जयपुर ग्रेटर नगर निगम में ये कृत्य किया। कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली द्वारा बनाए गए बोर्ड में अनुचित दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी। राज्य सरकार नए कोरोना काल में लोकतंत्र की हत्या करते हुए निर्वाचित मेयर सौम्या गुर्जर दो चेयरमैन पार्षदों का निलंबन करना गलत है। भाजपा इसकी घोर निंदा करती है। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर दो चेयरमैन और पार्षदों के निलंबन रद्द करने की मांग करती है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि राज्य सरकार द्वारा निलंबन रद्द नहीं किया जाता तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में जिला उपाध्यक्ष गोविंद धाकड़, मंडल अध्यक्ष अशोक दुबे, पंचायत समिति सुनील प्रधान, सीताबाई भील, मंडल महामंत्री कमलेश्वर पाटीदार, गजेंद्र तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष उदयराम विश्वकर्मा, जानकीलाल नागर, जनपद ईश्वरी सिंह, बर्दीलाल नागर, मंडल महामंत्री रामजोशी, राजेंद्र टेलरपुर, जनपद रमेश नागर, प्रेम पालीवाल, गंगाराम प्रकाश पाटीदार आदि मौजूद थे।